नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिल गए हैं। वह रांची से अपने आवास से बाहर निकले। इससे पहले कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन कहीं मिल नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित सरकारी आवास पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 31 जनवरी यानी कल उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पूछताछ के लिए समय दिया है। इससे पहले दिल्ली स्थित घर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भी पहुंची थी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा तलाशी लिए जाने के बाद पैदा हुई वही राजनीति स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को रांची के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच में संबंध में पूछताछ करने के लिए सोमवार को सोरेन के दक्षिण दिल्ली स्थित 5-1 शांति निकेतन आवास पहुंची और 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही। इस दौरान उन्होंने परिसर की तलाशी ली। 29 जनवरी को जांच एजेंसी ईडी उनसे पूछताछ करने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं मिले थे। एजेंसी यहां से कुछ जरूरी कागजात, BMW कार और 36 लाख कैश जब्त करके ले गई थी। वहीं झारखंड के राज्यपाल ने भी सीएम की जानकारी लेने के लिए 30 जनवरी को राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP को गवर्नर हाउस बुलाया था। उधर BJP ने सीएम सोरेन को लापता मुख्यमंत्री बताकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर डाली है। BJP नेता निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।